आर्टिक महासागर, जिसे दुनिया का एसी कहा जाता है क्योंकि ये महासागर दुनिया की हिफाजत करता है। लेकिन अब इसी महासागर से आई है एक सनसनीखेज खबर। आर्टिक महासागर की बर्फ की मोटी चादर के नीचे एक ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन दबी पड़ी है जिसमें एक परमाणु बम के बराबर रेडियो एक्टिव पदार्थ है और ये पदार्थ समंदर के पानी में घुलता जा रहा है। ये खतरा किसी एटम बम से कम नहीं है। बर्फ के समंदर के नीचे है दुनिया के खात्मे का सामान। तीस सालों से बर्फ के नीचे टिक टिक कर रहा है एक एटम बम। वो एटम बम जिसमें ताकत है दुनिया में बड़ी तबाही मचाने की। वो बम जिसमें होने वाले धमाके की आवाज तो दुनिया को सुनाई नहीं देगी, लेकिन उसकी तबाही धरती के एक बड़े हिस्से को बर्बाद कर सकती है। हाल ही में एक जर्मन मैगजीन ने आगाह किया है धरती पर मौजूद इस खतरनाक एटम बम से। वो एटम बम जिसका रेडिएशन पानी में घुलता हुआ 50 किलोमीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है। कैसे 30 साल पहले हुए एक हादसे ने उस वक्त तो सिर्फ 10 लोगों की जान ली थी, लेकिन उस हादसे में तबाह हुई परमाणु रिएक्टर वाली सबमरीन आज भी आर्कटिक सागर के नीचे दबी हुई है और हर पल उसका रेडिएशन समंदर के पानी में घुल रहा है। पूरी दुनिया के देश मिलकर जुटे हैं इस एटम बम को खत्म करने में और उस न्यूक्लियर सबमरीन को साफ करने में। आज बताएंगे कैसे बर्फ के रेगिस्तान के नीचे दर्जनों ऐसे परमाणु रिएक्टर और खतरनाक सामान दफन हैं जो किसी एटम बम से ज्यादा तबाही मचा सकते हैं, और वो लालच जिसके चलते आर्कटिक में जुटे हैं दर्जनों देश, किसी को तेल की तलाश है, किसी को गैस की, और कोई अपना सैनिक अड्डा जमाना चाहता है बर्फ के रेगिस्तान पर, और इस लालच में खत्म हो रहा है धरती का एसी। आज से 30 साल से भी ज्यादा पहले यानी 1981 में आर्कटिक में रूस की K-27 न्यूक्लियर सबमरीन हादसा हुआ था। इस हादसे में 10 लोग मारे गए थे। हादसे के बाद से सबमरीन समंदर के नीचे बेहद कम ऊंचाई पर भी हुई है, लेकिन इसमें मौजूद न्यूक्लियर पदार्थ धीरे धीरे रिस कर पूरे इलाके में फैल रहा है। अब दुनिया के तमाम देशों के दबाव के बाद रूस इस खतरनाक कचरे को साफ करने की कोशिश कर रहा है। ये समंदर बेहद खूबसूरत है, दूर तक जहां नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आती है। लेकिन इस बर्फ के नीचे पल रहा है धरती का सबसे बड़ा खतरा, वो खतरा जो धरती को तबाह कर सकता है। बर्फ के समंदर के नीचे छिपी है इंसान की सबसे खतरनाक देन। इस लंबे सफेद समंदर के नीचे एक ऐसी पनडुब्बी दफन है जिसमें भारी तादाद में रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद हैं, यानी इतना यूरेनियम इस बर्फ के समंदर के नीचे दफन है जिससे एक परमाणु बम के बराबर धमाका किया जा सकता है। समंदर के नीचे की इन तस्वीरों को देखिए, ये आर्कटिक महासागर के नीचे मौजूद रूसी पनडुब्बी K-27 की तस्वीरें हैं। ये इलाका कारा सागर के पास का है और ये तस्वीरें उसी जगह पर समंदर के नीचे की हैं। ये तस्वीरें दुनिया को हिला देने वाली हैं क्योंकि 31 साल पहले यानी 1981 में हुए हादसे की गवाह हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरें याद दिलाती हैं कि कैसे रूसी न्यूक्लियर सबमरीन K-27 एक हादसे के बाद आर्कटिक सागर में समा गई थी। लेकिन उसी के साथ दुनिया के सामने आ गया था सबसे बड़ा खतरा जो बर्फ की सफेद चादर के नीचे बरसों से छिपा हुआ है। हादसे के बाद इस न्यूक्लियर सबमरीन में इतना रेडियो एक्टिव पदार्थ भरा हुआ था कि वो सब कुछ
वैसे का वैसे समंदर के नीचे पड़ा हुआ है और धीरे धीरे वो रिस रहा है। वो खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ धीरे धीरे समंदर के पानी में मिलता जा रहा है और यही है धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा। आर्कटिक पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक ये रेडियो एक्टिव पदार्थ धीरे धीरे समंदर के पानी में मिल रहा है और उसके चलते पूरे 50 किलोमीटर के इलाके में मौजूद पानी जहरीला हो चुका है। सबसे खतरनाक बात यह है कि आर्कटिक की बर्फ के नीचे ये सबमरीन ज्यादा गहराई में नहीं है, यानी पानी तेजी से जहरीला होकर चारों तरफ फैल रहा है। भले ही इसकी रफ्तार अभी धीमी है, लेकिन जल्द ही ये विकिरण काफी बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले सकता है। यानी ये वो एटम बम है जो बिना फटे ही एटम बम से ज्यादा कहर दुनिया पर ढा सकता है, खासकर उस दौर में जब आर्कटिक की बर्फ लगातार पिघल रही है और पानी तेजी से जनजीवन वाले इलाकों की तरफ पहुंच सकता है। पूरी दुनिया में इस हादसे के बाद रिस रहे न्यूक्लियर मटेरियल को लेकर सनसनी मची है और रूस पर जबरदस्त दबाव है इस परमाणु कचरे को साफ करने का। और पिछले 10 सालों से दुनिया भर के देश रूस की मदद इस कचरे को साफ करने में कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये एटम बम फटा तो फिर कुछ नहीं बच पाएगा। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आर्कटिक में सिर्फ यही एक न्यूक्लियर सबमरीन नहीं दफन है, बल्कि दर्जनों परमाणु रिएक्टर और दूसरा रेडियोएक्टिव कचरा पड़ा है जो पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है आर्कटिक पर कब्जे की बढ़ती होड़, क्योंकि इस इलाके में मौजूद तेल और गैस के भंडार पर कब्जे के लिए तमाम देशों की सेना ने आर्कटिक में डेरा डाल दिया है। बर्फ के समंदर को लग गई है इंसान की नजर, इंसान की लालच और उसकी लापरवाही बर्बाद कर रही है कुदरत के एसी को। कुदरत के सबसे बड़े एसी यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक सागर हैं, यानी वो ध्रुवीय इलाके जहां 12 महीने बर्फ जमी रहती है और यही बर्फ दुनिया का तापमान बरकरार रखती है, जिसके चलते हम पर सूरज की जालिम किरणें कोई कह नहीं ढा पाती। लेकिन इंसान के लालच के चलते बर्बाद हो रहा है आर्कटिक और ध्रुवीय इलाका। इन इलाकों में तेल और गैस के अलावा बेशकीमती खनिज पदार्थ मौजूद हैं और उनकी तलाश के लिए दुनिया के ताकतवर देशों में होड़ लगी है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी लगातार बर्बाद कर रही है आर्कटिक को। लगातार बर्फ का समंदर पिघल रहा है और इसके चलते दुनिया के उन लालची देशों का लालच और बढ़ता जा रहा है जो इन इलाकों में तेल और गैस की खोज कर रहे हैं, और ये लालच बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि दांव पर लगी है वो विशाल खनिज और तेल संपदा जो आर्कटिक के नीचे दबी है। अंदाजा है कि यहाँ दुनिया के मौजूदा तेल भंडारों के 1/4 के बराबर तेल हो सकता है। इसीलिए रूसी पनडुब्बियों ने आर्कटिक की समुद्री तलहटी में अपना झंडा गाड़ दिया है और यहाँ अमेरिका भी पीछे नहीं है। ये पनडुब्बियाँ बर्फ से ढके नॉर्थ पोल के नीचे 14,000 फीट की गहराई पर पहुँच चुकी हैं। आर्कटिक और ध्रुवीय इलाकों में रूस और अमेरिका सहित कई बड़े देशों के सैनिक अड्डे भी हैं। इसके अलावा तेल कंपनियों की ड्रिल के चलते लगातार हादसे भी हो रहे हैं। आए दिन आर्कटिक और इससे सटे इलाकों में हादसे हो रहे हैं और इसके चलते प्रदूषण फैल रहा है, और इन सबसे ज्यादा खतरनाक है वो ग्लोबल वार्मिंग जिसके चलते आर्कटिक भी पिघल रहा है। यानी इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा अब सामने ही है, क्योंकि आर्कटिक के नीचे परमाणु कचरा भी काफी तादाद में पड़ा है। कई रूसी पनडुब्बियां समंदर के नीचे दफन हैं, जिसके चलते परमाणु प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है और ये किसी एटमी खतरे से कम नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक रूस की लगभग 19 न्यूक्लियर सबमरीन और 14 न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा हजारों दूसरे रेडियोएक्टिव सामान बर्फ के नीचे दफन हैं। यानी एटम बम का खतरा दुनिया के सामने से खत्म नहीं हुआ है। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। Thank you.
रेडिएशन और फिर इंसान की लापरवाही। आर्कटिक महासागर पर सिर्फ एटमी कचरे का ही खतरा नहीं है, बल्कि आर्कटिक को इंसान की दूसरी लापरवाहियों का भी हर्जाना चुकाना पड़ रहा है। लगातार ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक लगातार पिघल रहा है और धरती का ये एसी सिकुड़ता जा रहा है। जो 2000 सालों में नहीं हुआ वो अब हो गया है, और जो अब तक नहीं हुआ वो अगले 10 सालों में हो जाएगा। धरती की हिफाजत करने वाला बर्फीला सुरक्षा कवच महज 10 सालों में खत्म हो सकता है। और वो सुरक्षा कवच खत्म होगा एक समंदर की मौत के साथ, वो समंदर जिसकी पूरी दुनिया में पहचान उसके सफेद सुरक्षा कवच की वजह से ही है। वो समंदर है आर्कटिक समंदर, यानी आर्कटिक सी। उत्तरी ध्रुव का ये समंदर पूरी दुनिया की हिफाजत करता है। बर्फ की कई फीट मोटी चादर आर्कटिक सागर पर तैरती रहती है। ये चादर इतनी बड़ी होती है कि उसमें दुनिया के कई बड़े देश समा सकते हैं। अपनी सफेद बर्फ की चादर के साथ ये समंदर धरती की हर मुश्किल को अपने सीने में सोख लेता है, लेकिन अब ये चादर खत्म होने वाली है। क्योंकि आर्कटिक समंदर की बर्फ अब तक के सबसे खतरनाक लेवल तक सिकुड़ चुकी है, और वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि अगर यही आलम रहा तो ये बर्फ अगले 10 सालों के भीतर ही खत्म हो जाएगी, और मौसम पर इसका सबसे पहला असर पड़ने वाला है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को उपग्रहों से जो तस्वीर मिली है वो डराने वाली है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि पिछले साल से अब तक 900 क्यूब किलोमीटर बर्फ पिघल चुकी है, और ये रफ्तार अब तक बर्फ के पिघलने की रफ्तार से 50% तेज है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये तेजी ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों के चलते हो रही है। इसी के बाद वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर यही रफ्तार रही तो पूरा का पूरा आर्कटिक सागर बिना बर्फ के नजर आने लगेगा, और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि ये रफ्तार अगले 10 सालों में इस बर्फीले कवच को लील जाएगी। कई वैज्ञानिकों का तो ये भी अनुमान है कि अगले 4 सालों में ही बर्फ के ये हिमखंड पूरी तरह पिघल जाएंगे। हालांकि जाड़ों में बर्फ फिर से आ जाएगी, लेकिन अगर पिघलने की रफ्तार नहीं रुकी तो फिर जाड़ों में भी यहाँ बर्फ नजर नहीं आएगी, और धीरे धीरे पूरा इलाका बिना बर्फ का हो जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक उत्तरी रूस, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच आर्कटिक का हिमखंड मौसम के साथ घट बढ़ रहा है। फिलहाल इस हिमखंड का अधिकतम आकार लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर का है। आर्कटिक बर्फ यानी धरती के इस कवच पर वैज्ञानिकों की नजर बनी हुई है। 1979 से उत्तरी ध्रुव के इस इलाके की हर साल तस्वीरें ली जाती हैं, और उनके मुताबिक इसके पिघलने की रफ्तार नापी जाती है। 26 अगस्त 2012 को आर्कटिक समंदर का हिमखंड लगभग 16 लाख स्क्वायर मील नापा गया, जो 2007 के मुकाबले पूरे 27,000 स्क्वायर किलोमीटर कम है। यानी साल दर साल आर्कटिक समंदर के हिमखंड की बर्फ टूट रही है और खतरा बढ़ रहा है। कई बार तो ये बर्फ बेहद खतरनाक अंदाज में टूटती है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में कई ऐसी तस्वीरें कैद की हैं जिसमें बर्फ की पिघलने की रफ्तार साफ नजर आती है। देखिए कैसे पूरे 1 किलोमीटर का टुकड़ा हिमखंड से अलग हो गया। लेकिन ये तो महज एक वानगी है, धरती का ये कवच तेजी से खत्म हो रहा है। वो हिमखंड जो लाखों मील के इलाके में समंदर पर तैरता रहता था, अगर उसके पिघलने की रफ्तार नहीं रुकी तो जल्दी ही वो पिघल कर धरती के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। तेज के लिए सिद्धार्थ तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इंसान अपनी तबाही की कहानी खुद लिख रहा है।
एक तरफ आर्कटिक में अंधाधुंध खनन हो रहा है तो दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग से आर्कटिक इतना ज्यादा पिघल चुका है कि महज 10 सालों के भीतर काफी बर्फ खत्म हो गई है। धरती का ये एसी अगर खराब हुआ तो फिर ग्लोबल वार्मिंग के कहर से कोई नहीं बच पाएगा। लाखों मील तक फैला धरती का सफेद कवच, आर्कटिक सागर का ये सफेद कवच उत्तरी ध्रुव के बड़े इलाके में फैला हुआ है। समंदर पर तैरती हुई बर्फ की एक बड़ी दुनिया। आर्कटिक की इसी बर्फ से धरती की हिफाजत होती है। आर्कटिक सागर का यही विशाल हिमखंड धरती का कूलिंग हाउस है। दरअसल सफेद चमकीली बर्फ पर पड़ने वाली सूरज की किरणें वापस लौट जाती हैं। इससे सूरज की गर्मी धरती में कम से कम दाखिल होती है। इसी के चलते इस विशाल हिमखंड को धरती का सुरक्षा कवच माना जाता है। गर्मियों में जब आर्कटिक की बर्फ पिघलती है तो समंदर से उठने वाली हवाओं का रुख बदलता है। आर्कटिक के हिमखंड की इसी खूबी के चलते वैज्ञानिकों की इस हिमखंड पर लगातार नजर बनी रहती है। सालों से वैज्ञानिक इस बर्फ पर रिसर्च कर रहे हैं और हर साल बर्फ की मोटाई नापी जाती है ताकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके। जाड़ों में यहाँ बर्फ फिर से जम जाती है, लेकिन हाल के दिनों में पुरानी मोटी बर्फ तेजी से पिघल रही है और नई बर्फ उतनी मोटी नहीं जम पा रही जो लंबे वक्त तक की रहे, और यही तेजी से खत्म होती बर्फ वैज्ञानिकों को परेशान कर रही है। क्योंकि अगर ये बर्फ पूरी तरह खत्म हो गई तो सूरज की किरणें सफेद कवच से टकराकर वापस नहीं लौटेंगी, जिसका साफ मतलब होगा कि धरती सूरज की गर्मी को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर समेट लेगी, जिसके बेहद खतरनाक नतीजे होंगे। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे अल्बिडो इफेक्ट कहा जाता है, जिससे समंदर के पानी का तापमान बढ़ने लगता है और उससे उठने वाली हवाओं का रुख भी बदलता है, और धीरे धीरे इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर नजर आने लगता है। गर्म हवाओं के रुख में तब्दीली से मॉनसून के तेवर भी बदल सकते हैं और लगातार भारी बारिश या सूखे के हालात दुनिया के कई हिस्सों में देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, अगर इतनी बड़ी मात्रा में बर्फ तेजी से पिघली तो समंदर का जल स्तर अचानक से बढ़ जाएगा और फिर समंदर के किनारे बसे शहरों का तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। वैज्ञानिकों को ये डर भी सता रहा है कि समंदर के पानी का तापमान अगर बढ़ा तो फिर पूरी दुनिया के मौसम पर खतरा पैदा हो सकता है। हाल के दिनों में आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघलने के अलावा आर्कटिक के पास के समंदर का पानी तेजी से गर्म भी हुआ है। ये देखिए दो तस्वीरों को। कुछ साल पहले जो पानी का तापमान हुआ करता था अब उससे काफी ज्यादा हो चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में कई सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ तक कि पूरे दुनिया में जो तापमान बढ़ने की रफ्तार है आर्कटिक में उससे भी दोगुनी रफ्तार से तापमान बढ़ा है। माना यह भी जा रहा है कि सिर्फ 21वीं सदी में ही इसका तापमान 8 डिग्री तक ज्यादा बढ़ सकता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक परेशान हैं आर्कटिक सी को लेकर, क्योंकि अगर बर्फ पिघली और समंदर का पानी गर्म हुआ तो सिर्फ इंसानों को ही नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि पोलर बियर और जंगली लोमड़ियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा समंदर में मिलने वाली तमाम पौधों की प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। इसीलिए खत्म होते आर्कटिक सी को बचाना ही अब वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुदरत की नाराजगी दूर नहीं हुई तो आने वाले दिनों में कुछ भी सही सलामत नहीं रह पाएगा। दिल्ली से सिद्धार्थ तिवारी के साथ इसके लिए ब्यूरो रिपोर्ट।